देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में आयुर्वेद का पर्याय बन चुके पतंजलि और पतंजलि का अपरिहार्य अंग बन चुके आचार्य बालकृष्ण जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, पतंजलि और आयुर्वेद पूरी दुनिया को ऐसा नाम हो गया है कि क्या अब आगे क्या कदम होगा इसका? आयुर्वेद जीवन पद्धति है, आयुर्वेद संस्कृति है, आयुर्वेद हमारी पहचान है। उस आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अनुसंधान, जिसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, उन प्रमाण आधारित चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने के लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है और श्रद्धेय स्वामी जी भी उस मिशन और अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो निरंतर इसमें गति देना, शक्ति देना और आगे तक स्वीकार्यता को बढ़ाना, वो हमारा कार्य है। आज मध्य प्रदेश में आपका आगमन है, मध्य प्रदेश में तमाम संभावनाएं पहले स्वामी जी आए तब भी देख गए थे और आपने भी आज कहा, क्या संभावनाएं हम लोग महसूस करें? संभावनाएं हैं, देखिए सबसे पहले तो लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम जड़ी बूटियों का स्वयं प्रयोग करें, आयुर्वेद से जुड़ें, योग से जुड़ें। दूसरी संभावना है कि जितने भी जो किसान भाई हैं, खेत खलिहान जंगल आदिवासी वनवासी क्षेत्र, जंगल का क्षेत्र बहुत है मध्य प्रदेश में, उन लोगों के लिए स्वयं के रोजगार के साथ साथ में लोगों को भी रोजगार देने लायक वो बन सकें, उनकी जो है जो भी प्रोडक्ट उत्पाद करें वो वैल्यू एड हो, या फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का भी, क्योंकि आजकल वो बात चल रही है, तो अलग अलग तरह के हम क्रॉप को उत्पादन करें जिसका ज़्यादा मार्केट हो, ज़्यादा मूल्य मिले, उसके लिए पतंजलि सहयोग करेगा और उसके लिए आगे हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत सारी औषधि परंपरा है, संसाधन बहुत हैं, क्या इन कुछ पतंजलि यहाँ प्रयोग करने जा रही है? जी, जड़ी बूटियाँ बहुत हैं मध्य प्रदेश में, अभी भी मध्य प्रदेश की जड़ी बूटियों का बहुत, सबसे बड़ा एक तरह से कहें कि जो इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने वाला, जो प्रयोग करने वाली संस्था पतंजलि है, आगे हम चाहते हैं सीधे तौर पर जोड़ करके उन जड़ी बूटियों का प्रयोग, उन जड़ी बूटियों से उनकी खरीद हम करें, उसके लिए सरकार से बात करके हम जरूर काम करेंगे। स्वामी जी का और आचार्य जी का नाम इतना बड़ा हो कि बहुत सारी सियासी राजनीतिक दल आप पर नजरें गड़ाए हुए हैं। हमारा काम सेवा, सेवा, तो इसीलिए हमारा काम देश हित, राष्ट्रहित, लोगों के हित, हम चाहेंगे सब लोग नजरें गड़ाएं, क्या सहयोग करें, साथ खड़े हों, जिससे कि हम और अच्छी तरह से सेवा कर सकें। आचार्य बालकृष्ण जी कह रहे हैं कि सबकी नजरें भड़ी गई, लेकिन सियासत नहीं, सेवा उनका काम है। बत्तीस में पतंजलि बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि यहाँ की औषधियों को बेहतर उपयोग कर सके। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ अजय त्रिपाठी, स्वराज न्यूज, भोपाल।